इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, थ्री थ्री डिजिट्स क्यूब, 1 2 3 फर्स्ट थ्री, 1 2 3 देन 1 2 3 अगेन, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 नेक्स्ट नेम, वन टेंस हंड्रेड, थाउजेंड टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन एंड दिस इज बिलियन। इंटरनेशनल नंबर्स क्या हुआ, 6 बिलियन, 6 बिलियन, 969, 900 969, 969, this is, which digit bits, this bit is billion, billions के पहले क्या आता है, million, this is 969 million, 424,000, 424,000, 424, this is 1000 bit, 1000, 256, 256. Can I repeat? According to international number systems, first of all, from the right side make a 3-digit bit, next 3-digit, 3-digit, 3-digit. Ones, tens, hundred, thousand, 10,000, 100,000, this 1,000 bit. Million, 10 million, 100 million, this is 100, this is millions bits, and next billion. So 6 billion, 969 million, 424,256. ये हमने नंबर नेम देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये थोड़ा लॉन्ग नेम था इसीलिए मैंने इसको एग्जांपल में लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ए, राइट द फॉलोइंग नंबर इन फिगर्स। आपको क्या है, आपको स्टेटमेंट गिवन है या वर्ड में गिवन है, नंबर नेम वर्ड में गिवन है, आपको फिगर्स में लिखना है। तो 1 बिलियन क्वेश्चन है, 1 बिलियंस, तो 1 इज बिलियंस। नेक्स्ट 2 मिलियंस, 2 मिलियंस, तो मिलियन वाले बिट्स में कितने बिट होती है, 3 डिजिट्स। हमने देखा था इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स में हम कितने बिट्स बनाते हैं, 3-3 डिजिट्स की बिट होती है। बिट का मतलब एक ग्रुप, 3 का डिजिट का ग्रुप होता है। अब 2 मिलियन है तो 100 और 1000, 100 और 10s वाली डिजिट नहीं है, तो इसलिए क्या लाएंगे, 002, दिस इज 2 मिलियंस। नेक्स्ट 1000 वाले पार्ट में 600 है, 600, दिस इज 600, दिस इज 600,000। 505 लास्ट वाले जो बिट है उसमें है 505, दिस इज 505, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड बी। अगेन आई रिपीट, क्वेश्चन में क्या था, आपको जो नंबर नेम गिवन है उसको फिगर्स में लिखना था। तो 1 मिलियन, जैसे 1 मिलियन, मिलियन, 1 बिलियन, बिलियन वाले पार्ट में क्या था, ओनली 1 दे रखा है, ठीक है, कोई 100 या 1000 पार्ट नहीं है, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। नेक्स्ट मिलियन वाले पार्ट में 2 मिलियन से, 2 मिलियन है तो इसलिए हमने 002 लिखा है। अगर ये होता कि 256 तो 256 लिखते मिलियन वाले, मिलियन वाले पार्ट्स में ओनली क्या लिखा था, 2 मिलियन, तो 2 लिख दिया। नेक्स्ट था 600,000, तो 600 लिख दिया, दिस इज 1000 पार्ट। नेक्स्ट 505, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ वी डिस्कस, वी आल्सो डिस्कस्ड इन द क्लास जूम मीटिंग। थर्ड आपको क्या लिखना था, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, मैंने पहले ही बताया था क्वेश्चन नंबर थर्ड में स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर लिखना था, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर जब भी फॉर्म करते हैं आप किससे करते हैं, 1, फर्स्ट डिजिट इज 1, रिमेनिंग आर 0, 3, 3, 6, दिस इज स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। अगर क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है,
ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म होता है 9 से। अगर मैं 7 डिजिट का ही बोलूंगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7। तो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म होता है 9 से, स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म होता है फर्स्ट डिजिट 1 एंड रिमेनिंग आर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सपेंडेड नोटेशन वाले ग्रुप्स में फर्स्ट क्वेश्चन हमने एक्सपेंडेड नोटेशन में देखा था, फिर भी एक क्वेश्चन देखते हैं इसका बी बी पार्ट। एक्सपेंडेड नोटेशन बहुत इजी होता है, फर्स्ट बी एक्सपेंडेड नोटेशंस देखते हैं कैसे एक्सपेंड करते हैं। 9, 3, 4, 6, 2, 5, 9, 4। जब भी आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या करते हैं, बस डिजिट लिखेंगे, फर्स्ट डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and then 7। नेक्स्ट 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। 6, 4, 0, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट 2, 3, 0, 5, 2, 0, 9, 0, plus 4। दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म। सेकेंड क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म करनी, दिस इज स्टैंड, आपको क्या होती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब आपको क्या करना है, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है उसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड बी, सेकंड ए ऑलरेडी डिस्कस इन जून मीटिंग, 3, 4, 4, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 4, 0, 1, 2, 3, 4, and 9,002। जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इट मीन्स आपको क्या करना पड़ता है, एडिशन। आप ऐड करेंगे तो ऐड का शॉर्टकट मेथड क्या है, आप 6 लिख दीजिए, ठीक है। अब ये 5 वाली डिजिट में कितने जीरो है, 1, कितने डिजिट की, 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, इससे पहले यहाँ कितने जीरो आ रहे हैं, 3, 0, तो 3, 0 तो आप अप्लाई कर दीजिए, 3, 0, उसके बाद 5 लिख दीजिए। नेक्स्ट अब ये कितने डिजिट का है, 4 डिजिट का, अगर यहाँ से देखेंगे आप कितने जीरो हैं, 4, तो अगर इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ जीरो में क्या ऐड होगा, 9, तो यहाँ 9 लिख दीजिए। नेक्स्ट 3 डिजिट, दिस इज लास्ट डिजिट इज 2, तो दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड एक्सपेंडेड फॉर्म को हमने किसमें कन्वर्ट किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी आप कन्वर्ट करेंगे क्या करते हैं, एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आप बहुत टाइम कर चुके हैं, फिर भी हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 2, 3, 7, 0, 2, 1, 3, 7, 0, 2, 1। इसमें आपको 2 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू फाइंड करनी। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की प्लेस वैल्यू 2 एंड देन 0, एंड फेस वैल्यू, फेस वैल्यू सेम होती है, 2 की फेस वैल्यू 2, 3 की फेस वैल्यू 3, 4 की फेस वैल्यू 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई के लिए बोल रहा है, प्रोडक्ट करना है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 0 जा, किसी भी डिजिट को आप 0 से मल्टीप्लाई करते क्या आता है, 0, 2 2 जा 4, तो आंसर इज 40। आई अगेन रिपीट, जब भी आप प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर की फाइंड करते हैं तो उस डिजिट को देखिए, एंड उसके बाद जितनी भी डिजिट आ रही है उनको 0 से रिप्लेस कर देंगे। फेस वैल्यू सेम होती है, 2 की फेस वैल्यू 2, 3 की फेस वैल्यू 3।
इस क्वेश्चन में आपको जो प्लेस वैल्यू फेज वैल्यू ही करना है और उसमें डिवाइड मल्टीप्लाई इस तरह के क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन में इसी में पेज नंबर 10 पे अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर्स का क्वेश्चन करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5 6 4 3 6 2 1 5 6 4 5 6 3 4 3 6 2 1 5 6 4 5 9 4 3 9 6 8 9 6 8 9 2 8 is it 2 8 when we are arrange number in ascending order and descending orders, one point is very important. जब भी आप ascending और descending orders में arrange करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, ascending order means होता है smallest to greatest number, और descending order means होता है greatest to smallest number. Small, तो जब भी आप ascending order करेंगे तो छोटे से बड़ा number arrange करेंगे, जब आप descending करेंगे बड़े number से छोटे की ओर जाएंगे. तो आप इसमें 5 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, तो फर्स्ट सबसे पहले जब भी आप अरेंज करते हैं उससे पहले नंबर्स को काउंट कीजिए, कोई भी डिजिट कितने नंबर्स की, क्योंकि जैसे कि अगर मैं आपसे चेक बोलता हूँ कि 12 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, चेक कर लेते 3 बड़ा है कि 12 बड़ा है, तो ये 2 डिजिट नंबर है, ये 1 डिजिट नंबर है, तो डेफिनेट बात है कि 12 बड़ा है. इसीलिए हम इन क्वेश्चंस में डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से पहले आप काउंट करिए कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है किसी में. तो 1 2 3 4 5 6 7 दिस इज 7 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिस इज 8 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5 दिस इज 5 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5 6 दिस इज 6 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिस इज 8 डिजिट नंबर. जब हम कंपेयर कर लें कि कंपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले सब में डिजिट काउंट कीजिए. अब देखिए तो इन दोनों में 8 8 है, इसमें 7 है, 5 है, 6 है, तो हमें कैसा अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 6 डिजिट नंबर. तो पहले ये लिख दीजिए, तो ascending order तो सबसे smallest 2 1 5 6 4 5, next ये हो गया, next 7 digit ना sorry 5 digit number का पहले आएगा, पहले 6 3 4 3 6, फिर next 6 digit number 2 1 5 6 4 5, next 7 डिजिट नंबर 2 1 5 6 4 3 4, 7 डिजिट. तो ये तीनों कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत आर 8 डिजिट नंबर, ये दोनों में 8 डिजिट नंबर. जब 8 डिजिट सेम डिजिट नंबर हो तो उनकी फर्स्ट डिजिट चेक करेंगे, कौन सा नंबर बड़ा है, 9 है या 4 है, तो डेफिनेट बात है कि 4 छोटा होता है, तो पहले कौन सा आएगा, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा आता है, तो पहले 4 3 9 6 8 9 2 8 एंड लास्ट नंबर इज 9 2 8 2 6 9 4 5. दिस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर है, सेकंड क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर है. आप इनके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स की क्वेश्चन करना. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नंबर. फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द होल नंबर बिटवीन द 5 एंड 10. 5 और 10 के बिटवीन हमें होल नंबर्स लिखने हैं. होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं. 5 और 10 के बिटवीन नंबर लिखने हैं, ठीक है, 5 एंड 10 के बिटवीन नंबर लिखने हैं. तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 6 7 8 9. जब भी आपसे बिटवीन कहेंगे तो वो नंबर इन्वॉल्व नहीं होते हैं,
सिक्स सेवन एट नाइन, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ पेज नंबर 11th. नेक्स्ट राइट द टू कंसेक्यूटिव सक्सेसर ऑफ 60,000. मैंने आपको वीडियोस में बताया था सक्सेसर क्या होता है, नेक्स्ट नंबर. सक्सेसर में क्या करते हैं, प्लस वन. कंसेक्यूटिव का मतलब है उसके नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. तो 60,000 का कंसेक्यूटिव नंबर लिखना है. तो दिस इज 60,000. इसके बाद वाला सक्सेसर नंबर क्या होगा, तो इसमें क्या कर देंगे, वन ऐड कर दो, प्लस वन, दिस इज 6001. इसका सक्सेसर अगेन सक्सेसर देखेंगे तो क्या होगा, इसमें वन ऐड कर देंगे, 6002. अगर एक और सक्सेसर देखना है आपको तो क्या आ जाएगा, 6003. अंडरस्टूड? तो जब भी आपको सक्सेसर निकालना है क्या करते हैं, प्लस वन. प्रीडिसेसर में हम क्या करते हैं, माइनस वन. थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा, हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 9 अकर बिटवीन द 1 to 100. 1 to 100 के बिटवीन 9 कितने टाइम्स आता है, 1 to 100 के बिटवीन 9 कितने टाइम्स आता है. तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, 9 लिख लीजिए. फर्स्ट 9 आता है, नेक्स्ट 19, 29, 39, 49, 59. इस तरीके से आप लिख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने टाइम्स 9 आ रहा है. एंड बस 99 में 2 टाइम्स 9 आता है. क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है, इज द 149 इज अ प्राइम नंबर. व्हाट इज द प्राइम नंबर? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद की ही टेबल में डिविजिबल हो, खुद की ही टेबल से डिविजिबल हो, अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होते. प्राइम नंबर स्टार्ट विद 2, 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, इस तरीके से. तो आपसे चेक करवा रहा है 149 इज ए प्राइम नंबर. 149 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 7 से नहीं गया, ठीक है, 7 से नहीं गया. नेक्स्ट और से चेक कर लीजिए, 3 से चेक कर लीजिए, जैसे 3 से 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 फोर जा 12, एंड 29 इज नॉट ऑल्सो नॉट डिविजिबल. तो जब भी आप इसको चेक करना है कि अगर कोई नंबर खुद की या अदर टेबल से डिविजिबल होता है, अदर टेबल से भी डिविजिबल हो जाता है तो प्राइम नंबर नहीं है, और अगर कोई भी सिर्फ खुद की टेबल से डिविजिबल है तो वो प्राइम नंबर है. तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं इसकी. तो हमने आज डिस्कस किया पेज नंबर 9, 10 एंड 11. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्राइम नंबर, सक्सेसर, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू. थैंक्स.